is a continuous process. The residual remains जो रिवर है जो रिवर क्या जो रोल था आपके चाइल्डहुड में रिवर के साथ तो मेरे एक संपर्क था ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर आई वाज बोर्न माय एसोसिएशन विद वाटर ग्रीनरी वाटर लॉक्ड लैंड उसके साथ बहुत संपर्क था उसी का रिफ्लेक्शन है मेरे पेंटिंग में कुछ कुछ स्टार्ट फ्रॉम डिपार्चर डिपार्ट करते हैं डिपार्ट करते ए काइंड ऑफ फीलिंग पेन ए काइंड ऑफ पेन पेन से होता है पेंटिंग होता है देयर इज अ पेन क्योंकि जो एक तो है रिवर और फिर अगर बोट देखे तो बोट भी इट्स समथिंग दैट हैज़ बीन देयर इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एंड द बोट आल्सो ऐसे एक तो स्केच में आती है बोट और फिर आता है क्रॉसिंग द एक्ट ऑफ क्रॉसिंग और फिर वो बोट मतलब एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है जैसे वो बोट फिर उसका शेप ट्राइंगल भी आ सकता है और उसका वो पूरे कॉम्पोजिशन में एक हाँ वो तो है मगर मैंने जो बोला जो बोट भी फ्लोट करता है मेनी थिंग फ्लोट्स क्योंकि रेसिड्यू जो है जो जमता है नीचे वही आर्ट होता है उसका नीचे जो रेसिड्यू होता है वो आर्ट हो जाता है इसका मतलब नहीं कि लिटरली तुम सोचो इसका But how can you explain this in your practice? Means what is how will you explain the river? River जो है stagnant भी होता है कभी कभी जाड़ा में winter में रुक जाता है बरसात में चलता है बरसात में उसको फ्लो बहुत ज़्यादा रहते हैं उसका जो रिवर का जो किनारा है उसको तोड़ भी देता है वो तो उस नदी के किनारे हम लोग थे तो नदी का विषय में नदी का विंटर सीजनल चेंजेस वो मुझे बहुत मैंने उसका अंदाज जो है मेरा ऊपर छाप उसका इम्प्रेशन है मैंने रिवर क्रॉस किया मैं टर्नर जानता हूँ मैं जो स्ट्रॉम आया रिवर क्रॉसिंग के टाइम में क्या होता है वो देखा मैंने रिवर एक जगह जाकर हॉराइजन में मिलता है वो हराइजन में मिलने से मालूम होता है उस पार है नदी की उस पार मगर बरसात में इतना हराइजन बड़ा हो जाता है उस पार जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस पार से उस पार जाना उसमें इतना करंट रहता है जो ठीक डायरेक्शन से वहाँ पहुँच नहीं सकते उसको नदी बोट को एंगल से लेके जाना पड़ता है तो जाकर डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो ऐसा ही मेरा संपर्क हुआ उसे रिवर में बहुत सारी चीज लिविंग थिंग्स है जैसे मछली है क्रोकोडाइल है ये भी है वो
उसका नदी के बीच में जब जाड़ा आता है, विंटर आता है, तो पानी कम जाता है, उसका करंट कम जाता है, तो वहाँ का जो फिशरमैन लोग है वो कैसे मछली पकड़ते थे उसका हमें अंदाज है। तो ऐसे ही उसके साथ मेरा संपर्क बना। तो मैंने इसलिए कहा ऊपर से जो बह जाता है वो आर्ट नहीं है, उसका नीचे जो गिरता है पानी के ऊपर, पानी में कुछ दो ऐसा रहता है, ऐसे हमने बोला। Chain of separation from one into another, to become one and whole. Creation still exists as a stream separation. ये separation जो होता है ना, हम मैंने gradually separate हो रहा हूँ, pain है, we were from eastern part of Bengal, तो वहाँ पर डिपार्ट किया ना मैंने, ए काइंड ऑफ पेन डिपार्ट किया, तो डिपार्चर का तो एक पेन होता है। मैंने हम पेंटिंग पहले पेंटिंग में बहुत डिपार्चर लिखते थे टाइटल। और कब से मतलब ये आप जो अभी टाइटल का बता रहे थे कि पेंटिंग की जो टाइटल्स थी जैसे डिपार्चर, ऐसे कोई और भी और नहीं टाइटल से हमने नहीं देते, तो नहीं देते, देते, नहीं देते। तो आपने कब स्टॉप किया, ये डिसीजन कैसे लिया कि अब मुझे बस नहीं टाइटल नहीं देनी? वो डिपार्चर जो टाइटल था वो एक तरीका एब्स्ट्रैक्शन, मैंने एब्स्ट्रैक्ट टाइटल था, तो मैंने सोचा तो ये टाइटल देने की जरूरत नहीं, पेंटिंग एक नया बना वो समझ लेंगे, इसमें टाइटल देने की जरूरत नहीं, इसको सीमित मत करो टाइटल देकर, समझे, सीमित नहीं करो माने लिमिट नहीं करो, हाँ कन्फाइन मत करो। और आप जो सेपरेशन की बात कर रहे हैं, तो जब आप कोई पेंटिंग फिनिश करें तो उसमें उसके इमीडिएटली उसके बाद क्या फीलिंग आएगा? वो फीलिंग बहुत अच्छा होता है। पहले होता है क्या, वन पुट पेपर ऑन योर टेबल और जल जाइयो कैनवास, मैं तो कुछ ड्रॉ नहीं किया, कुछ स्केचेस वगैरह करते हैं कभी कभी, नहीं तो कभी भी ड्रॉ करते नहीं, वही पेपर के ऊपर ही करते हैं। तो एक पेंटिंग में क्या क्या है, एक पेंटिंग में रहता है स्पेस, फॉर्म और कलर। स्पेस में अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रहा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रहा, तो इन बिटवीन जो स्पेस रहा उसका कोई मतलब नहीं क्या? मतलब है, दोनों दोनों की खींचता है। हम तीनों चारों यहाँ व्यक्ति आदमी बैठ रहे हैं चुपचाप है, मगर इसके साथ एक कनेक्टेड है, ये तो बात नहीं करने से भी एक कनेक्शन रहता है। तो ये पेंटिंग जब बन जाता है, एक लैंड बना, आई हैव क्रिएटेड लैंड, माय लैंड, वो जब अच्छा लगता है ना, एक काइंड ऑफ शिवरिंग होता है, मैंने रियलाइज किया, देखा एक तरीका शिवरिंग होता है, तो तब जाके मालूम होता है
आई हैव रीच. तो ऐसे ही होता है, इस चाय ठंडा पियो. आप कुछ आपकी जो अर्ली ट्रिप्स आपकी जो क्योंकि डिपार्चर से तो फिर अराइवल भी आता है, तो डिपार्चर से तो अराइवल होता है एक जगह कि आपकी जो आप ट्रैवल करते थे काफ़ी, तो आप कुछ आपकी जो अर्ली मेमोरीज है ट्रैवल की तो उसकी आप बात कर सकते हैं. इंडिया में नहीं, जब हम ट्रेन से पास करते थे चलते थे मुझे एक चीज़ याद आता था खूब, सब कुछ खिड़की से दिखता था अपारेंट. वो पेड़ बोलता है हम हैं, वो घर बोलता है मैं हैं, पहाड़ बोलता है हम हैं, सब रहता है. ग्रेजुअली जितना उजाला कमता जाता है माने इवनिंग अप्रोचिंग तो वो फीका हो जाता है. जब अंधकार होता है तो कहीं दिखता ही नहीं, उसका आइडेंटिटी नहीं, सब मिल जाता है. तो ये फीलिंग होता था हमारा. वो अपना अपना भाव चला जाता था. जैसे होता है ना, when I look at you, I do not see you. I myself stand before you, between you and me. समझे? इधर तो लिखा था हमारे, कुछ कुछ लिखते थे. तो when I call, she doesn't. Not come. Visualize.